बिग ब्रेकिंग न्यूज़ फॉर अंधेशक शिक्षक। अब लेकर रहेंगे हक अपना अंधेशक साथियों स्पेशल न्यूज़ कवरेज आपके साथ है शिव कुमार मिश्रा संपादक। पूरे समाचार सुनते क्या है। नमस्कार साथियों, देश प्रदेश के समस्त गुरुजनों को मेरा सादर प्रणाम। प्रस्तुत है आज का वैश्विक शिक्षा उत्तर प्रदेश समाचार। पूरा समाचार शुरू करने से पहले आपसे छोटा सा निवेदन है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हर अपडेट से हम आपको प्रूव करें। शुरू करते हैं आज का ये साथियों। यहाँ पर आप देख रहे हैं शिव कुमार मिश्रा जी, हमारे प्रिय संपादक जी इस समय अंधेशों के मुद्दे को उठाते हुए, और उनके साथ हैं विक्रम सिंह जी स्टेट प्रेसिडेंट, अनुपम मिश्रा जी हैं, रुद्र प्रताप सिंह हैं और सुरेंद्र भी आदि महान लोग जुड़े हुए हैं। देखिए कितनी दमदारी से हमारे मुद्दे को मीडिया के समक्ष रख रहे हैं, सरकार के समक्ष, देश और दुनिया के समक्ष रख रहे हैं, हमारी दुश्वारियों को, हमारी समस्याओं को जुड़ रही है। इसलिए ज़्यादा अपील है आपसे कि हर शाम 8 से 9 आप ज़रूर जुड़िए इस चैनल से और देखिए आपकी समस्याओं को एक महारथी पत्रकार संपादक कैसे दिखा रहा है और आपके भविष्य को सुरक्षित कराने के लिए किस तरीके से प्रयास कर रहे हैं। अगर चाहते हो न्याय तो लगे रहो, आर पार की लड़ाई लेंगे। 15 बेरोजगार संगठन आ गए हैं पूरी सभी पार्टियों को। कल मैंने ट्वीट भी किया, रुद्र प्रताप जी देख रहे थे कि कांग्रेस और बीजेपी को रोजगार से दूरी क्यों। मैं लगातार कांग्रेस से भी भिड़ा हूँ, मैं लगातार बीजेपी से भिड़ा हूँ। आइए रोजगार पर चुनाव करा दूंगा उत्तर प्रदेश का। 3 महीने है हमारे पास, अभी 3 दिन में हम बदल सकते हैं। हर हाथ में एंड्रॉइड फोन है, हर घर में बेरोजगार है, और जब हर घर से आवाज उठेगी सरकार रोजगार पर झुकेगी। रोजगार बनाना पड़ेगा, रोजगार मुद्दा होगा, 100 रुपया के एफिडेविट पर देना होगा कि हम प्रत्येक साल 2 लाख लोगों को रोजगार देंगे, और सूची जारी करनी होगी, ये उसका मुख्य मुद्दा होगा। आइए जुड़िए, रोजगार लीजिए, रोजगार इतना सा कवरेज न्यूज पर नहीं रखा, रोजगार सरकार देगी, लेकिन सरकार को आपके कदमों में लाके डाल दूंगा, झुका दूंगा आपके सामने। वो है आपकी ताकत वोट। मैं किसी पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूं, अखिलेश जी भी हो सकता है ना करें, वो तभी करेंगे जब आपका संख्या बल दिखेगा, तब संख्या से डरते हैं। तो आइए और इस मुहिम में जिस संगठन को भी हमसे मदद की आवश्यकता है, कल बिहार का संगठन आएगा, आप ही बता रहे थे शशांक जी, राजस्थान बिहार सब लोग संपर्क कर रहे हैं, सब लोगों को कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है जो उनकी बात उठाए, ये बिल्कुल साबित है। इसमें देश बर्बाद होने की कगार पे जा रहा है, हिंदू मुस्लिम से हम बचा के आ रहे हैं देश को, हम गंगा जमुनी तहजीब पे देश को वापस ला रहे हैं, हम मुद्दा पर बात करेंगे, हम अस्पताल की जरूरत है, हमें शिक्षा की जरूरत है। आज कई अच्छे अच्छे चैनल पर जो व्यूज नहीं आ रहे, जिन्हें लोग नहीं देखना चाह रहे, उससे ज्यादा हम क्यों जुड़ रहे थे, तो क्या इसका मतलब हम ठीक राह पे जा रहे हैं? और ठीक राह पर जब जा रहे हैं तो मुद्दा कौन सा है? मुद्दा रोजगार है, मुद्दा अस्पताल है। रुद्र प्रताप जी लगातार हम काम कर रहे हैं, आप कितना दिन में आपके पास मैसेज ट्विटर से और उससे लोग दे रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, क्या मिलता है ऐसी पत्रकारिता में जीवन में कभी? नहीं सही बात, सच बात कर रहे हैं आप शिवपाल जी। मुझे कई लोग डीएम कर रहे हैं, कई लोग मुझे टैग कर रहे हैं। स्थानांतरण की समस्या पे जब कल मैंने उठाया अनुदेशकों की, तो मुझे ट्विटर से ही मिली थी, उन्होंने बताया किस तरीके की परेशानियां आ रही हैं। शिवपाल जी, जब भी हम लोग के साथ कोई राजनीतिक दल से व्यक्ति जुड़े तो उनसे जरूर ये अनुदेशकों के बारे में जरूर पूछ लिया कीजिए कि वो उनकी क्या मांग, क्या राय है, उनकी पार्टी की क्या राय है, क्योंकि हम लोग के पास एक दस्तावेज तैयार होता जाएगा कि RLD साथ है।